हम बार बार ये मुद्दा देश की जनता के सामने रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी लफंगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंसा करवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तोड़ फोड़ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता दंगई हैं, दंगे भड़काते हैं। ये बात ना सिर्फ आम आदमी पार्टी कह रही है, आज पूरे देश की जनता इस बात को कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडागर्दी से परेशान है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक गुंडागर्दी करने वाले, लफंगई करने वाले, हिंसा करने वाले, दंगे भड़काने वाले नेता हैं श्री तेजिंदर बग्गा, जो ये सारी वैल्यूज भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी की, दंगों की, लफंगई की जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनका साक्षात स्वरूप हैं तेजिंदर बग्गा जी। तेजिंदर बग्गा जी वही नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर घुसकर एक वकील पर हमला किया था। तेजिंदर बग्गा जी भाजपा के वही नेता हैं जिन्होंने रामलीला मैदान के अंदर घुसकर एक चलते हुए कार्यक्रम में हमला किया था। तेजिंदर बग्गा जी वही नेता हैं भाजपा के जिन्होंने एक बुक लॉन्च में घुसकर जिस व्यक्ति ने किताब लिखी थी उन पर हमला किया था। तेजिंदर बग्गा जी वही नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन पर अमित शाह के एक रोड शो के दौरान जो हिंसा हुई थी, हिंसा करने पर की वजह से तेजिंदर बग्गा जी पर केस लगा हुआ है। ये वही तेजिंदर बग्गा हैं, ये वही तेजिंदर बग्गा हैं जिनके खिलाफ जनवरी 2014 में किसी के घर में जबरन घुस के हमला करने पे आईपीसी के सेक्शन 452 का केस लगा है। ये वही तेजिंदर बग्गा हैं जिन पर दंगे भड़काने, धार्मिक विद्वेष फैलाने, धर्म जाति और समुदाय के नाम पर माहौल खराब करने का आईपीसी सेक्शन 153A के तहत केस दर्ज है। ये वही तेजिंदर बग्गा हैं जिन पर पटियाला हाउस के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में आईपीसी 153 में केस लगा हुआ है कि दंगा कराने की नियत से भड़काऊ भाषण देने का दोषी उन्हें करार दिया गया। अब ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं तेजिंदर बग्गा जी के जो गुंडागर्दी के, हिंसा के, दंगे भड़काने के मामले पढ़ने लगूंगी तो आधा दिन बीत जाएगा। ये वही तेजिंदर बग्गा जी हैं। इसी तेजिंदर बग्गा जी पर पंजाब पुलिस ने एक केस फाइल किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उन्होंने पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करी और इस वजह से पंजाब की पुलिस ने उन पर एक केस दर्ज किया। जो कानून की प्रक्रिया है उस कानून की प्रक्रिया के तहत तेजिंदर बग्गा जी को 5 बार समन भेजा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, लेकिन तेजिंदर बग्गा जी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए। क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए, पंजाब पुलिस ने लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए तेजिंदर बग्गा जी के नाम पर एक अरेस्ट वारंट इशू किया और वो तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली आए। पूरे लीगल प्रोसेस के अनुसार पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया? दिल्ली पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी के अंडर आती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो गुंडों को सम्मानित करती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो हिंसकों को माला पहनाती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो दंगइयों को टिकट देती है। तो दिल्ली पुलिस का पूरा इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तेजिंदर बग्गा जी की गुंडागर्दी, तेजिंदर बग्गा की दंगई, तेजिंदर बग्गा की दंगा भड़काने का जो पूरा प्रयास था उससे बचाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए जनकपुरी थाने गई तो उनको गैर कानूनी रूप से बंधक बना लिया गया। पंजाब पुलिस पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करने जाती है और भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस एक गुंडे को बचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से पंजाब पुलिस को बंधक बना लेती है। आज सुबह पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करके जब पंजाब में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए अरेस्ट करके लेके जाती है तो फिर से गैर कानूनी रूप से हरियाणा की पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है और पंजाब की पुलिस को रोक दिया जाता है। तो ये आज साफ स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक गुंडे को, एक दंगई को, एक लफंगे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार है। और ये तो होना ही था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद एक गुंडों की पार्टी है, दंगइयों की पार्टी है, हिंसकों की पार्टी है। तो जब कोई गुंडा पकड़ा जाता है, जब कोई दंगई पकड़ा जाता है, जब कोई उनका लफंगई करने वाला पकड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी तंत्र ऊपर से नीचे तक लगा देती है, गैर कानूनी रूप से लगा देती है कि वो अपने एक गुंडे बदमाश दंगई को बचा सके। आज जो दिल्ली पुलिस ने, जो हरियाणा पुलिस ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने तेजिंदर बग्गा जी को बचाने के लिए जो गैर कानूनी कार्यवाही करी है उससे भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप पूरे देश के सामने आ गया है कि गुंडागर्दी, लफंगई, हिंसा, दंगे करने वालों को बचाना भारतीय जनता पार्टी का धर्म है और गुंडों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। धन्यवाद।